गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज फंगी और फंगस। फंगस इज अ नॉन ग्रीन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये एक नॉन ग्रीन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हैं एंड दे डोंट हैव स्टेम लीव्स। इनके पास ना स्टेम है और ना ही लीव्स है। द यूनिसेलुलर फंगस इज नॉन एज ईस्ट। एक ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस है जो कमर्शियल लेवल पर फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए यूज़ की जाती है। एंड द मल्टीसेलुलर आर मशरूम्स, पेनिसिलियम, टॉडस्टूल्स, स्पंज फंगी, मोल्ड्स एंड मिल्ड्यू। फंगस का न्यूट्रिशन मोड क्या होता है? दैट इज सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। सेप्रोफाइटिक मीन्स दे कैन डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट मैटर और एनिमल मैटर फॉर देयर न्यूट्रिशन। एंड पैरासाइटिक मीन्स दे लिव ऑन होस्ट ऑर्गेनिज्म। अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर भी डिपेंड कर सकते हैं ये। दे कैन रीप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग एंड स्पोर्स फॉर्मेशन। बडिंग ईस्ट के अंदर होता है। ईस्ट में एक आउटग्रोथ, एक्स्ट्रा आउटग्रोथ निकल आती है और फिर वो इट स्टार्ट ग्रोइंग, ग्रो करना शुरू करती है और फिर वो वहाँ से डिटैच हो जाती है और एक न्यू ईस्ट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। दैट इज़ नोन एज बडिंग। स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर्स स्प्रेड आउट हो सकते हैं वाटर और एयर की हेल्प से, लाइक मशरूम एंड मोल्ड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंगस। हेयर कम्स टू द नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज एल्गी। एल्गी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ग्रास ऑफ वाटर। एल्गी जो है वो, उसको पानी की घास भी कहा जाता है बिकॉज इट ऑलवेज फाउंड इन अ फ्लोटिंग पोजिशन ओवर द स्टेगनेंट वाटर। जो रुका हुआ पानी है उसके ऊपर फ्लोटिंग मोड में हमें एल्गी देखने को मिलती है। इसकी सिंगुलर फॉर्म है एल्गा। इट इज़ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, दोनों ही टाइप से ये प्रेजेंट हो सकती हैं। दे ऑल्सो डोंट हैव रूट, स्टेम और लीव्स एट्सेट्रा। इनके पास भी रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते हैं। दे आर ग्रीन शीट लाइक स्लिपरी मास फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ स्टेगनेंट वाटर। एक ग्रीन शीट तैरती हुई मिलेगी, जो रुका हुआ पानी होता है उस पर आपको जो एक ग्रीन स्लिपरी शीट दिखाई देती है, दैट इज़ एल्गी। एल्गी का हैबिटेट क्या है, कहाँ आपको देखने को मिल सकती है? मोस्टली इन पोन्ड्स, लेक्स और सीज एंड ओशियंस। पिगमेंटेशन के अकॉर्डिंग एल्गी इज डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, दैट इज़ ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। ग्रीन एल्गी के हमारे पास एग्जाम्पल हैं क्लाइडोमोनस, वॉल्वोक्स, स्पायरो वगैरह। रेड एल्गी के एग्जांपल है हमारे पास जेलिडियम, ब्राउन एल्गी फ्यूकस एंड लेमिनेरिया। न्यूट्रिशन मोड क्या है एल्गी का? एल्गी का न्यूट्रिशन मोड है ऑटोट्रॉप्स। बिकॉज दे आर ग्रीन प्लांट्स, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का जो सिंगुलर फॉर्म है, दैट इज़ प्रोटोजोन। इट इज़ अ सिंगल सेल्ड एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, एंटामीबा, प्लाज्मोडियम, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोआ। द बॉडी इज़ कवर्ड विद पेलिकल। प्रोटोजोआंस की जो बॉडी है वो पेलिकल से कवर्ड होती है।
दे कैन स्विंग यूजिंग ईदर फ्लैजला एंड सीलिया और कैन मूव विद द हेल्प ऑफ शुडोपोडियम. ये फ्लैजला और सीलिया की हेल्प से अपना मूवमेंट करते हैं और शुडोपोडिया अमीबा के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज़ नोन एज फॉल्स फिट, जिसकी हेल्प से दैट कैप्चर इट्स फूड एंड इंगल्फ इट, जिससे वो अपने खाने को पकड़ता है और इंगल्फ करता है. वाट आर द न्यूट्रिशन मोड हेयर? प्रोटोजोआस आर होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड ऑल्सो पैरासाइट्स. ये होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं और पैरासाइट्स भी हो सकते हैं. नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज वायरस. प्लूरल फॉर्म इज वायरसेस. इट इज़ अ सेलुलर ऑर्गेनिज्म. अ सेलुलर मीन्स दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सेल्स. इनके पास कोई सेल्स प्रेजेंट नहीं होते. दे हैव डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स एनक्लोज बाय प्रोटीन कोट. इनके जो डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो एक प्रोटीन की कोट के अंदर कवर होते हैं. दे आर इनएक्टिव आउटसाइड लिविंग सेल्स एंड ओनली मल्टीपल ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स. जब ये लिविंग सेल्स के बाहर रहते हैं तो ये डेड पोजीशन में रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये एंट्री कर जाते हैं लिविंग सेल्स में, दे स्टार्ट ग्रोइंग. ये ग्रो करना शुरू करते हैं एंड देयर ग्रोइंग रेट इज़ वेरी फास्ट. दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग बींग, बिकॉज दे बिहेव एज लिविंग इनसाइड लिविंग सेल एंड नॉन लिविंग आउटसाइड द सेल. इसीलिए इनको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, क्योंकि ये आउट जैसे ही लिविंग बॉडी के या लिविंग सेल के अंदर एंट्री करते हैं तभी ये ग्रो करना शुरू करते हैं. एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरियोफेज, एचआईवी. ये सब वायरसेस हैं. बैक्टीरियोफेज वायरस हमारी बॉडी के जो यूज़फुल बैक्टीरियाज हैं उनको ख़त्म कर देता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर.